हनुमान स्लिप में गई। अरे चल चल चल,
और मासूम को मिलते ही पहली सफलता, अपने टीम को पहली सफलता दिलाया अपने छोटे रोहन भाई टीम का बहुत अच्छी बॉल। मैच में काफी अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा अगर इस मैच में बने रहना, जमे रहना, रुके रहना, टिके रहना चाहते हैं हनुमान सुदुर्मा पर्वतराज से आने के लिए। जब तक बैठ के फील्ड खेलेंगे पीछे झपट्टा लगा रहे हैं, जब तक बैठ के फील्ड खेलता है दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ कर बड़ी आसानी से दो रन पूरा कर लिए। काफी कड़ाके की धूप में मुकाबला चल रहा है, सभी खिलाड़ी काफी परिश्रम कर रहे हैं पिच मैदान पर। हनुमान हमसे दुर्भाग्य पर्व का खिलाड़ी कर पाते हैं सीमा के बाद चार रनों के लिए। अच्छा चौका, बढ़िया चौका। इस चौके के साथ इसको रोचना कोई देता पाता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर है हनुमान द्वारा। इस राय पर हमें अलग काफी बेहतरीन बल्लेबाज उतने ही चतुर है चालाक गेंदबाज हनुमान हमसे दुर्गा का पर्व प्राप्त किया। जिस तरीके से कैसे लगता है मासूम ने टीम में पहली खुराक यानी पहली विकेट हनुमान से जो वक्त पर विकराज किया नंदनलाल के लिए अच्छी रही है। इतना प्यारा सम्मान रन लेना चाहते हैं लेकिन सुरक्षित अपने करीब में इसे करने के साथ इसके 27 रन तीसरा ओवर प्रगति पर है जो विकेट का नुकसान पर दबारा जाता मोहन गेंदबाजी करेंगे हनुमान तीन चार तरह का छोटा सा ना चतुर्भुज का पर्व प्राप्त का यह कला की देती और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। बालर हनुमान अच्छी और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी पॉइंट पर रखा है बालर मासूम अपने कोटे का दूसरा प्रतिनिधि का देता बल्ले कर हमसे दुर्गा का पर्व प्राप्त किया। कोई संपर्क नहीं पूरा कम विकेट की पर मोहम्मद साद ने पूरा किया 27 रन में पर्व का विकेट नुकसान। एक मिनट मासूम 15-20 कदमों का लंबा समय हमसे दुर्गा का पर्व प्राप्त किया अच्छा और अंपायर का इशारा वाइड अब इस सबसे ज्यादा बाहर अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराया और इस तरह के साथ स्कोर 28-28 हाँ ठीक है ठीक है। और दोनों खिलाड़ी का पहले पहली बॉल पे दूसरी बॉल लगातार दो बॉलों पे दो विकेट लिए मासूम और इस तरीके से आए पड़े हैं उनका स्वागत किया जाए। अभी लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक हैट्रिक पे है मासूम 15-20 कदमों का रन अप है अपने रनअप से दौड़ते हुए अच्छी गेंद बहुत बेहतरीन बीट किया विकेट कीपर के हाथ में बॉल गई मासूम दौड़ते हुए अच्छी गेंद गुगलन पे गिरी
और पैर से टकराई जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ी भाई बड़ी आसानी से क्रम पूरा कर दूसरे इन्होंने स्टार्ट पर नंदलाल गेंदबाजी करेंगे हनुमान हनुमान अब चतुर्भुज का पर्व क्रॉस किया और अच्छी गेंद रिसीवर की दिशा में गई लेकिन दो तीन गेंद पहले गेंद गिर गई अन्यथा खतरे हनुमान द्वारा स्टार्ट करेंगे अभिषेक लेफ्टिनेंट बल्लेबाज कितने के पैसे के गेंदबाज हनुमान अब चतुर्भुज का पर्व क्रॉस किया और उसी ही समझ नहीं सके और अब पार्क इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी दोनों खिलाड़ियों ने पहले कदमी करते हुए पार्क के रूप में रन पूरा किया हनुमान हमसे दुर्भाग्य का पर्व क्रॉस किया नंदलाल के लिए नीची रही समझ नहीं सके पूरा कर दिया कि पर मैं मस्ताद ने पांचवा ओवर पर बनी पर है हनुमान जा रहा हनुमान तीन चार कदमों का थोड़ा सा नाप हमसे दुर्भाग्य का पर्व क्रॉस किया नंदलाल के लिए और कर्फ्यू के सारे खिलाफ मैं सुन रही और एनए पाई करो मैं करा के से करो लेकर साथ स्कोर 35 रन और सीरीज पर करा देखना उसे सीरीज का कितना फायदा उठाते हैं नंद 35 रनों पर रुका हुआ हां 34 रन सॉरी भाई स्कोर 34 रन है और कैसी गए अगर उसका 70 रन होता उठाए और गेंद संडे पर 120 मीटर लंबा था एक छक्के के साथ इसको रुचाता को देता फांदता हुआ 40 रन जैसे देखा तक की गेंद आए निश्चित वाली मैदान पर नीचे पांच ओवर के समाप्ति पर इसको 40 रन है चार विकेट के नुकसान पर है दया राजा का इसको 40 रन पांच ओवर की समाप्ति पर है बॉलर ने अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए रोहित तीन चार कदमों का छोटा सा तो स्टार्ट करेंगे अभिषेक है अच्छी गेंद पर जो टकराई तब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने चहल कदमी करते हुए रन पूरा किया इसे करने का साथ इस स्कोर 41 रन लंबाई करेंगे स्कोर 41 रन है छठा ओवर प्रगति पर रोहित द्वारा काफी बेहतरीन है प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने अभी लगभग 45-55 का मुकाबला चल रहा है और अच्छी गेंद सिल्वर के पूरी तरीके से चकमा दिया और छठा ओवर प्रगति पर रोहित द्वारा रोहित से दुर्भाग्य का पर्व क्रॉस किया नंदलाल की अच्छी गेंद बॉलर और उसको नुकसान में खेला है कोई खिलाड़ी ना दे रहा है जब तक गेंद को फील्ड करेंगे देख रहे पार के चार के पास तक जा और गेंद तो मेरा भी इसी मार का मार चार रन के लिए इस चौके के साथ इसको उछलता कूदता फरदता हुआ 45 रन है छठे ओवर पर गति पर जैसे देखा छोटी गेंद है पूरी तरीके से लौट स्लो ओवर गेंद और उसको उसको ड्राइव के लिए उसके नीचे खिलाड़ी हनुमान काफी अच्छे फील्डर और अच्छी फील्डिंग इसे करने के साथ स्कोर 46 रन है इसके दिन का यह पहला मुकाबला इस टाइम पर है अभिषेक रोहित तीन पांच छह कदम का छोटा सा रन आते और लेग बाई के रूप में एक रन इसे जटा शंकर है आठ दस कदम का लंबा सा रन पीछे दीवार का पर क्रॉस किया विकेट के लिए और बारी अगले उसके नीचे खिलाड़ी और खतरा हो सकता है इस तरीके से अंपायर के सारे की प्रतीक्षा करनी होगी और इस तरीके से पांचवा झटका लगा आधी टीम का बोलर में लगते हुए दरबार राजा की अब जा रहे इसका शंकर है मैदान मैदान में विकेट लंबा कवर पॉइंट से रिपोर्ट और खिलाड़ी को थर्ड मैन पर तैनात किया है और खिलाड़ी को फाइनल पर रखा है और शायद फाइनल से हटाकर शर्ट लेकर रखा है इस मिले की सजावट के साथ है जटा शंकर राइट हैंडर गेंदबाज स्टार्ट करेंगे राइट हैंडर बल्लेबाज रिंकू बॉलर जटा शंकर हमसे भागते हुए और कार्पेट के सारे खेला है इसके नीचे खिलाड़ी
देने खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी से एक रन पूरा किया, एक ही रन से संतुष्ट इस एक रनों के साथ स्कोर 48 रन है। बनाम सिमरियावा हमजा क्लाथ हाउस के बीच में मुकाबला आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। जटाशंकर स्टार्ट करेंगे नंदलाल और इसको हल्का हाथों से करेंगे फाइनल शॉट लेट पर दोनों खिलाड़ियों बड़ी आसानी से दो रन पूरा कर इस दो रन के साथ पता था पूरा होता हुआ धन्यवाद। 10-12 करने का लंबा समय पंच दुर्भाग्यों पर जो क्रॉस किया नंदलाल के लिए और उसको निकाला है दो खिलाड़ी मौजूद नहीं है दो ग्राम पार कर सारे के पर जुटा और गेंद दंगला तीन गेंद टक्कर है पेंडे लंबार चार रन के लिए पीछे बेटे साथ इसके रिसल टक्कर देता फायदा हुआ चौवन रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पर जो करा जटाशंकर द्वारा जैसे भी पावर खींच गया था सीधा लौट कर दिया किसी खिलाड़ी के पास पेड़ मौका नहीं ये दंगनाती हुई सीमा रेखा बाहर चार रन के लिए जटाशंकर हमसे दो लगता पर जो त्रास किया नंदलाल के लिए अच्छी गेंद फिर से उछाला है और गेंद इस संभव था सीमा रेखा बाहर छह रन के लिए 125 मीटर लंबा छक्का नंदलाल काफी आनंद ले रहे हैं पर मैदान पर रुपर टुपर जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं स्कोर 60 रन इस छक्के के साथ है जटाशंकर हमसे फिर भागते हुए नंदलाल के लिए फिर से निकाला है और साथ में किसी खिलाड़ी के पास कहीं मौका नहीं लगते गए तीन बाउंड्री दो छक्का बीस चौके के साथ अर्जित करने वाले गेंदबाज मोहम्मद मासूम 7 ओवर में समाप्त होकर स्कोर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर गढ़वा राजा का बड़ी आसानी से एक रन पूरा किया इस एक रन के साथ स्कोर 65 रन बीस में आते रहेंगे बॉलर मासूम अच्छे दुर्गा पर क्रॉस किया नंदलाल के लिए अच्छी गेंद से टकरा लगभग एक रन पूरा किया इसी करने के साथ बैट साइड बैट से थी इसी करने के साथ निगाह रखते हुए काफी बारीकी निगाह रखते हुए कुछ मैदान पर और लगभग 10-15 हजार मैच का अनुभव अच्छी गेंद रुक के लिए इशारा इस पर से खिलाड़ी खतरा ही करता है और इस पर रुकते थे छठा झटका लगा आज रुक कुछ कर नहीं सके और मासूम को हम तो होता होता सकता चाचा 4 विकेट हो गई चार सफलताएं अर्जित कर चुके हैं मोहम्मद मासूम पहले से 66 रन मासूम 15-20 तक का लंबा समय पर दुर्भाग्य पर विकास का अच्छी गेंद बल्ले का सही तालमेल नहीं हुआ खुद सालों थ्रू में गेंद को फील्डिंग करने की काफी बड़ी की मैदानी जाती है मासूम से दुर्भाग्य पर विकास का पूरी तरीके से दिखते हैं खिलाड़ी मासूम हमसे दुर्भाग्य पर विकास का और शोर गेंद से सारा हिले करने के लिए खिलाड़ी मौजूद नहीं अन्यथा एक और खतरा हो सकता था इसे करने के साथ स्कोर 67 रन आधे ओवर को समाप्त कर स्कोर 67 बॉलर रूप और लेग साइड में घूम कर खेला है लगभग 130 मीटर लंबा छक्का काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी शुभम द्वारा जैसे देखा छोटी गेंद है पूरी तरीके से फैन लेग के ऊपर से खेला किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं गेंद दंगला तो इसी मारे का बाहर 6 रन के लिए एक छक्के के साथ स्कोर 67 रन का फर्क हुआ 73 रन और अच्छी गेंद नीचे रही है विकेट कीपर से छिपके जब तक गेंद को फील किया जाए तकमैन द्वारा दोनों खिलाड़ियों ने चहल कदमी करते हुए बड़ी आसानी से रन पूरा किया लेग बाई के बाई के रूप में इस रनों के साथ स्कोर 64 का बॉलर रोहित अब अपने रनत में कुछ बढ़ोतरी की ओर रोहित ने 15-20 का मुकाबला मसल अपने दुर्लभ पर विकास किया और निकाले सभी को खिलाड़ी खतरे और निकाला
पैनी निगाह रखे हुए और हमारे कैमरा मैन ने सभी खिलाड़ियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए आलोक कोई प्रभाव नहीं इस अपील में तो ज्यादा विश्वास कम है अभी भी इसको 11 रनों पर रुका हुआ टिका हुआ दबा हुआ डटा हुआ तू सब पा रहा है आलोक शुक्र भागते हुए चटासन करके लिए अच्छी के कर पाती है नहीं कर पाती है अब जा रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज अमन दूसरा बल्लेबाज जो कि स्कोर 12 रन एक विकेट का नुकसान पर है सिमरिया वाला था ऊपर हमदा कला था उस सिमरिया वाला स्कोर स्टार्ट कर गए अमन बॉलर आलोक स्लोअर विकेट पर जा रहा है 128 मीटर लंबा और शायद गेंद अंदर ही लपक ली गई हवा में ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधा आलोक चतुर भागते हुए रोहित के लिए और तेज तर बॉलर अंकित घटाशंकर के लिए कटकी गेंद पूरी तरीके से गुप्त किया अभी भी स्कोर 12 रनों पर रुका हुआ बॉलर जटाशंकर ने अच्छी गेंद पूरी तरीके से बीच किया अंकित हमसे दुर्भाग्य पर पार को क्रॉस किया जटाशंकर के लिए अच्छी गेंद और फिर से उछाला है देखना है तीन तीन खिलाड़ी उसके नीचे देखना है और क्या होता है और इस तरीके से कैच छेड़े मैच छेड़े बॉलर अंकित हमसे दुर्भाग्य पर पार को क्रॉस किया और रिवर्स किक करना चाहते थे गेंदबाज सोसाइटी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों ही गेंदबाज उसको हल्का तो सा टच किया जाता है फिर करेंगे तो रखें कोई नुकसान नहीं दीजिए स्कोर है जमा हुआ रुपा 8-10 का मौका लंबा संग्रह है और उसको आसान में खेला कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधा संभवतः सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर है उछलता को देखा फाड़ता हुआ 17 रन जैसे देखा पट्टी में पूरी तरीके से लॉक कर दिया गेंद सीधा चौबीस का कवर के ऊपर से 4 रन के लिए चौथा बल्लेबाज आलोक स्टार्ट पर अंदर बता सकता है और पूरी तरीके से भी मार से कर्म का थोड़ा सा बड़ा है टारगेट दिया है बॉलर अंकित जटाशंकर के लिए और उसको हल्का तो सिखेला है और गति पर है और नीचे रही समन नहीं 6-7 का रनक और उसको निकाला है देखना है
अंपायर के सारे की प्रतीक्षा और के संभवता सीमा रेखा बाहर मातृभूमि प्रीमियर लीग टूर्नामेंट असनारा 2023 बॉलर रुकुम सदर बाकी अंपायर को प्रासिया जटा शंकर के लिए और अच्छी गेंद पर अध्यक्ष इमरान शाह अध्यक्ष राम शाह मेरिया सेक्रेटरी आलम शाह आजाद और प्रधान जी के देख रेख में बॉलर अंकुर 15-20 का मुक्का लंबा सर ना अंकुर का हमसे दूर बात किया अंपायर को क्रॉस किया जटा शंकर के लिए और और फिलहाल के लोग बोला तो इस वाले मौजूद हैं उधर चंद्रवाली इसी बारे का आज चार रन के लिए पालन भरोसा है दोनों खिलाड़ी दल खेले थे जिसमें दो चौके शामिल है बॉलर ग्रुप है और अंपायर का इशारा नो बॉल है और संभवतः ये फ्री होगी किसी गुरु पर से दो बार अंपायर को क्रॉस किया रोक के लिए और इसको निकाला है हेलीकॉप्टर शॉट उसके नीचे खिलाड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं कैच करके फ्री थी इसे करने के साथ स्कोर 6-6 और नीचे बल्लेबाजी करते हैं ग्रुप है कितने बेहतरीन है बल्लेबाज है जटा शंकर और शायद एक और आलोक हम लोग बात को हुए रोक के लिए और चले सामने दुर्गा खेला उसके नीचे खिला रहे और के खेल में और ये तो सीधा सीधा का बॉलर है सुरक्षित अपनी क्रीम है हमसे दुर्भाग्य अंपायर को क्रॉस किया रोक के लिए स्लोअर गेंद और उसका अंपायर ने खेला है उसके नीचे खिलाड़ी खतरा हो सकता है उस तरीके से तीसरा झटका लगा कितनी परसेंट था जितनी बड़ाई की जाए कम है अब देखना है कौन बल्लेबाज है बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं उसके 68 रन है अभी भी 29 रन बनाकर है रोहित पवेलियन में धीरे धीरे कदमों से वापस आते हुए अब जा रहे हैं हनुमान अब जटा शंकर और हनुमान की जोड़ी किस मैदान पर है अगर सिक्स लगा स्टार्ट करेंगे हनुमान गेंदबाजी करेंगे आलोक स्कोर 68 रन पर रुका हुआ और इसके लिए साल में घूमकर खेला है इसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे बेतन ना तो इसी मारे का आर चार रन के लिए शादी कर सकती है बॉलर इसे दुर्बल का पार को क्रॉस किया मार के लिए और निकल कर खेलना का तार का इशारा भाई जो शिष्टा के साथ स्कोर 73 रन है दोनों हाथों को कर स्कोर 73 रन है आलोक हनुमान के लिए अच्छी गेंद और इसका हल्का से परिचय किया है और मुश्किल अन्यथा रन आउट होने का एक और मौका था सुनहरा मौका था जटा शंकर को इसे करने के साथ स्कोर शंकर के लिए स्लोअर गेंद पूरी तरीके से फंसाया है ओवर की समाप्ति बिल्कुल ना भूले रिको अपने हमसे दुर्भाग्य का तर्क क्रॉस किया हनुमान के लिए और इसके लिए साइड में घूम कर खेला कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है देखना पर के सारे के प्रतीक्षा और गेंद दंडलाती हुई सीमा रेखा बाहर चार रन के लिए हनुमान के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका ये रिको
और इसे खिलाड़ी से उसे खिलाड़ी लेकिन दर्शक करते रह जाएंगे। अबे कंगना तो इसी मार का बाद चार दस गेंदे 12 रन है और फिर वर्षी खेला और गेंद से बहुत अच्छी मार का बाद 6 रन करे। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन शॉट।